Assalamu alaikum everyone. Today's lecture is a very important grammar lecture, and the lecture is known as possessions. First of all, मैं आप लोगों को इस लेक्चर का नाम एक्सप्लेन करती हूँ. द लेक्चर नेम इज अ वोकैबुलरी एज वेल. ये जो लेक्चर है इसका जो नाम है ये एक वोकैबुलरी भी है. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पोजेशन, कि दिस थिंग इज द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन. पोजेशन को के एक सिनोनिम है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को पोजेशन कहते हैं, राइट? तो जो चीजें आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चीजें आपकी मिल्कियत होती हैं, उनको हम आपकी पोजेशंस कहते हैं, राइट? सो द थिंग्स, जो चीजें आप ओन करते हैं वो आपकी पोजेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन, आपकी ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कार, ये सारी चीजें आपकी पोजेशंस है. आसान इंग्लिश में इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, आपके आपकी प्रॉपर्टीज हैं, और अदरवाइज आप इसके लिए वर्ड पोजेशन यूज करते हैं. अब ये वोकैबुलरी पोजेशन, इसका एक व्हाट इज दिस ग्रामर लेक्चर, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर लेक्चर, पोजेशन. अगेन, ग्रामर लेक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग कॉन्वर्सेशन करें तो हमारी कॉन्वर्सेशन, यू कुड से कॉन्वर्सेशन का, जिसको हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेजेस, वो सही रहे. यूजुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि व्हाट हैपन टू अस यूजुअली वी फ्रॉम पाकिस्तान, दैट वी ट्रांसलेट. जो भी हमारी मदर टंग्स होती है हम उसमें सोच रहे होते हैं, फिर टीचर को जवाब देते हैं बहुत देर में सोच के, फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. जब भी आपको फ्लुएंसी ट्रेनिंग करनी है, फ्लुएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है, मतलब स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको कन्वर्सेशन करनी है, कॉन्वर्सेशन, यू कुड से अपने कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करना है, देन उर्दू से इंग्लिश और आपकी मदर टंग से इंग्लिश और किसी भी जबान से सोचना, फिर से इंग्लिश में बोलना, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ स्पीकिंग, राइट? आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है. आप हम डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? सो लास्ट टाइम हर वीडियो में मैं यूजुअली ये बात बताती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, दैट ऑलवेज आप ग्रामर लेक्चर्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको व्यू करें, उनको रिव्यू करें, और डायरेक्टली वो ग्रामर लेक्चर्स बोले, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी जितने ग्रामर लेक्चर्स मैंने आपको साथ शेयर किए हैं, हमने हमेशा ये डिस्कशन किया कि फॉर्मूला क्या है. फाइन, सो लेट्स क्विकली मूव टू द फॉर्मूला. ये लेक्चर पोजेशन बोलते का भाई मैं आपको बताती हूँ, और इससे पहले जरा फॉर्मूला को चेक कीजिए. फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहाँ पर ओनली थ्री वर्ड्स फॉर्मूला है. सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, ये हमेशा हमारा जो ग्रामर लेक्चर है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट लिखी हुई है, आई वी यू दे, सारा, मार, ही, शी, ये सब लोग सब्जेक्ट्स हैं. वो द मेन पर्सन हु वर्क्स, हु परफॉर्म्स एक्शन, ठीक है? सो दिस इज सब्जेक्ट. आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हैव और हैज, हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैव और हैज. अब अगेन ये यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहे, हम इन्हें अगेन कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, तो ये हम इन्हें कह सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है. मगर दोबारा से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं इसको कहूंगी ये मेरा ग्रामर लेक्चर है, बिकॉज अगेन अगर कोई मुझसे इस किस्म का जुमला बोलता है आई हैव ब्लैक हेयर्स, तो मैं उस हैव और हैज से अंडरस्टूड करूंगी ये पोजेशन बोला जा रहा है. अगर यहाँ वुड लाइक लगा होता तो मैं अज्यूम करती ये विश मेकिंग है, ये विशेस बोली जा रही हैं. अगर यहाँ पर शुड लगा होता तो मैं समझती कि ये एडवाइस है, मशवरा है. सो द पॉइंट इज, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी हैं, बट हम इन्हें कंसिडर करेंगे कि ये हमारा ग्रामर लेक्चर है. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, अगेन ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस क्लोज हो गया, राइट? अब एक बात याद रखिए यहाँ पर, और ये बात यू कुड से अब आगे रिपीट होगी परफेक्ट टेंसेस में भी और प्रेजेंट सिंपल लेक्चर में भी. वेन एवर आपके सब्जेक्ट्स होंगे आई वी यू एंड दे, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, वी दे, फाइन, तो हम हैव और हैव गॉट यूज करेंगे. हैव गॉट पे भी हम आते हैं बाद में, हम हैव यूज करेंगे. बट वेन एवर आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर कोई सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, हम दो लोग हैं, आई यू, हम फर्स्ट सेकंड पर्सन है, हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें, हम दो लोग शी की बात करें, अमार की बात करें, सारा की बात करें, उनकी जगह प्रोनाउंस बोलें ही या शी बोलें, तो हम दो लोग किसी थर्ड पर्सन की बात करें.
याद रखें, जब भी हम थर्ड पर्सन की पोजेशंस डिस्कस कर रहे हैं, यानी जब भी ये नाम आ रहे हैं मार सारा या ही या शी, तब हम हैज यूज करेंगे, राइट। ये फॉर्मूला का पार्ट था, ये हर ग्रामर लेक्चर में व्यू करते 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 एंड ऑफ द डे एडवांस ग्रामर तक पहुंचते पहुंचते बातें ऑब्वियसली आपको इंशाल्लाह ताला रिवाइव हो जाएंगी। अब ये तो फॉर्मूला था, ओनली थ्री वर्ड्स फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैव या फिर हैज, इनमें से कोई एक पे करना है हमको, एंड ऑब्जेक्ट व्हाट इज द यूज। अब जरा डिस्कशन ये करते हैं कि यूज क्या है, पोजेशंस हमें बोलने कहाँ है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन, लुक एट दिस। पोजेशंस देयर फॉर यूजेस, ओके। यूज नंबर वन, इट इज यूज टू डिस्कस अपेयरेंस, अपेयर होना। आपने सुना वो अपेयर हो रहे हैं इंटरव्यू में, वो अपेयर हो रहे हैं कोर्ट में, वो अपेयर हो रहे हैं। सो अपेयर इज जाहिर, हाउ यू लुक लाइक, आपकी अपेयरेंस कैसी है, ठीक है। सो पोजेशन का सबसे पहला इस्तेमाल क्या है, जब आपको अपनी अपेयरेंस बतानी हो, ठीक है, यानी आप कैसे दिखते हैं। सो वेन एवर यू हैव टू टेल योर अपेयरेंस, देन वी यूज पोजेशन। दिस इज यूज नंबर वन। यूज नंबर टू, इट इज यूज टू डिस्कस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगेन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, पोजेशन है का मतलब ही प्रॉपर्टी है। जब भी आपने डिस्कस करने हैं आपकी प्रॉपर्टीज, यानी आपका फोन, आपका कार, आपका घर, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं, तब भी हम पोजेशन यूज करते हैं लेक्चर। इट इज यूज यूज नंबर थ्री, इट इज यूज टू डिस्कस बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स क्या होती है, बिलोंग करना, जो लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं। तो जब भी आप ये बता रहे हो अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, तब भी हम पोजेशन यूज करते हैं। यूज नंबर फोर, जब आप अपनी इलनेस बता रहे होते हैं किसी भी डिजीज के बारे में, इलनेस वो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, आपकी इलनेस आर योर प्रॉपर्टीज, सो तब भी हम लेक्चर पोजेशन यूज करते हैं, राइट। अब लुक एट एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन अपेयरेंस बताई जा रही है, ठीक है। आई हैव ब्लैक हेयर्स, आई हैव टॉल हाइट, आई हैव बिग आईज। व्हाट इज आई, आई सब्जेक्ट हैव, अगेन हैव मतलब होना, पोजेस करना, या जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, या इसमें ग्रामर लेक्चर। आई हैव ब्लैक हेयर्स, आई हैव टॉल हाइट, आई हैव बिग आईज, आई हैव पॉइंटेड नोज। यहाँ पर हैव हमारा ग्रामर लेक्चर है, आई मेरा सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है, कहीं पे ब्लैक हेयर है, कहीं पे हाइट है, कहीं पे आईज है, कहीं पे नोज, राइट। सो अगेन अब आइडिया देखें कि एक तरीके की मैं उर्दू से इंग्लिश सोचूं कि मेरे काले बाल हैं, मेरे लंबा कद है, मेरी बड़ी आंखें, फिर मैं उसको इंग्लिश कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंपल फॉर्मूला पे डायरेक्ट इंग्लिश बोल रही हूँ। सब्जेक्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, आई हैव ब्लैक हेयर्स, आई हैव टॉल हाइट, आई हैव बिग आईज, राइट। सो डायरेक्ट स्पीक, अगेन वही आइडिया है कि आपने ऐसे नहीं करना कि आप इधर उधर देख रहे हैं और आप जुमले बना रहे हैं, उनमें गलतियां रह जाएंगी। आप फॉर्मूला पे देखिए और इस पे आप अपने अपेयरेंस बताइए। आई हैव ग्रे हेयर्स, या आई हैव व्हाइट हेयर्स, या आई हैव गोल्डन हेयर्स, आई हैव स्मॉल हाइट, आई हैव नॉर्मल हाइट, आई हैव स्मॉल आईज, आई हैव ग्रीन आईज। यहाँ आप अपने बारे में बताएं, राइट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब भी आई आई होगा आई हैव, यू होगा यू हैव, वी होगा वी हैव ब्लैक हेयर्स, दे होगा दे हैव ब्लैक हेयर्स। मगर जब भी हम किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में सारा लिखा हुआ, या चेंज कर दें, सम्मार कर दें, सना कर दें, तब हम हैव को रिप्लेस करेंगे हैज से। अगेन ये ग्रामर का रूल है, डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज मैथ्स में हम फॉर्मूला याद करते थे, वी नेवर आस्क व्हाई। इसी तरह इंग्लिश में फॉर्मूला, लर्न द फॉर्मूला, डोंट आस्क व्हाई। सारा हैज ब्लैक हेयर्स, जब हम ऐसे बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स बता रहे हैं, उर्दू में देखें इसके ऐसे मीनिंग्स होंगी, मेरे काले बाल हैं, मेरे लंबा कद है। जब मैं सारा की बता रही हूँ कि सारा के काले बाल, उर्दू तो एक ही जैसी है, बट इंग्लिश में अगेन मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ, सारा हैव ब्लैक हेयर्स, सारा हैव टॉल हाइट, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये। पीपल दोज हु आर लिसनिंग यू समझ जाएंगे आप गलती कर रहे हैं, राइट। सो रॉन्ग ग्रामर। जब भी आप सिंगुलर की बात करेंगे, आप कैसे बताएंगे, सारा हैज ब्लैक हेयर, सारा हैज टॉल हाइट, सारा हैज बिग आईज, वेयर एज, जबकि आप जब आई वी यू दे सब्जेक्ट लेंगे तो आई हैव ब्लैक हेयर, यू हैव ब्लैक हेयर, वी हैव ब्लैक हेयर, दे हैव ब्लैक हेयर, राइट। मगर जब भी यहाँ होगा मार हैज ब्लैक हेयर, माई ब्रदर, अब सी माई ब्रदर हैव ब्लैक हेयर, या माई ब्रदर हैज ब्लैक हेयर। माई ब्रदर एक सिंगुलर पर है ना, माई ब्रदर एक ही बात कर रही हूँ मैं, सो माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर हैव, रॉन्ग, अगेन ग्रामर की मिस्टेक है। माई ब्रदर हैज ब्लैक हेयर्स, माई ब्रदर हैज टॉल हाइट, माई ब्रदर हैज बिग आईज। अब देखें,
मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बताना होता है कि भाई मेरा मेरी जो दोस्त है सना, उसके लंबे बाल हैं, उसके गोल्डन बाल हैं, उसके लंबा कद है। अब उर्दू से इंग्लिश कितना मुश्किल है सोचना, मेरी दोस्त के लंबे बाल हैं। अगेन फॉर्मूला तीन लफ्ज का है, सारा माई फ्रेंड या सारा, सब्जेक्ट दोनों में से कुछ भी रखे। माई फ्रेंड हैज ब्लैक हेयर्स, माई फ्रेंड हैज कर्ली हेयर्स, माई फ्रेंड हैज स्ट्रेट हेयर्स, माई फ्रेंड हैज स्मॉल हेयर्स, माई फ्रेंड हैज शॉर्ट हेयर्स, सॉरी स्मॉल नॉट, वी डोंट यूज फॉर हेयर्स, माई फ्रेंड हैज शॉर्ट हेयर्स। अगेन माई फ्रेंड की जगह यहाँ सारा नाम लिखते हैं, सना लिखते हैं। सो सना हैज ब्लैक हेयर, सना हैज टॉल हाइट, सना हैज बिग आईज, राइट? ये था यूज नंबर वन। अब जरा यूज नंबर टू पे चलते हैं। ओके, यूज नंबर टू है प्रॉपर्टी। जब आपने किसी को बतानी है प्रॉपर्टी कि मेरे पास फोन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अंगूठी है, मेरे पास घर है, अगेन उर्दू से इंग्लिश नहीं, वही तीन लफ्ज का फॉर्मूला। आई हैव अ रिंग, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई हैव, मेरा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ग्रामर लेक्चर है, रिंग, फोन, कार, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है, राइट? आई हैव अ रिंग, आई हैव अ फोन, आई हैव अ कार, आई हैव अ होम, आई हैव ड्रेसेस, आई हैव मेनी शूज, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी ज्वेलरीज, आई हैव ज्वेलरी, राइट? मगर यही बात अगर मैं किसी सिंगुलर के बारे में बताने लग जाऊं, सारा हैज, या इसकी जगह देखिए मैंने प्रोनाउन लिखा है आपको, लिए प्रोनाउन यानी शी ही, इसको प्रोनाउन्स बोलते हैं, नाम की जगह रिप्रेजेंटेशन जो है, शी अगेन सिंगुलर है, शी हैज अ रिंग, शी हैज अ फोन, शी हैज अ कार, माई ब्रदर, या मैं माई ब्रदर की जगह ही बोलूं, माई ब्रदर हैज अ रिंग, माई ब्रदर हैज अ फोन, माई ब्रदर हैज अ कार, राइट? ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो गया। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी योर फोन, इट कुड बी योर होम, इट कुड बी योर ज्वेलरी, कुड बी योर रिंग। एग्जाम्पल नंबर थ्री, हमने डिस्कशन किया था बिलोंगिंग्स का। बिलोंगिंग जो लोग आपके बिलोंग करते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं एक्सेट्रा। उर्दू में भी बताते हैं कि भाई मेरे दो बहन भाई हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सो आई हैव सिबलिंग्स, आई हैव टू सिबलिंग्स, आई हैव थ्री सिबलिंग्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव एन अंकल, आई हैव एन आंट, आई हैव अ मॉम, आई हैव अ डैड। अगर मैं सारा के बारे में बताने लगूँ, सारा हैज, वही फॉर्मूला में सिर्फ हैज चेंज हो रहा किससे, हैव से। सारा हैज फोर सिबलिंग्स, सारा हैज फ्यू फ्रेंड्स, सारा हैज सम फ्रेंड, सारा हैज मेनी फ्रेंड्स, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर हम लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज की। लास्ट एग्जाम्पल पे हमारा डिस्कशन हो रहा है इलनेस की। आपकी जो बीमारियां हैं वो भी आपका, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपकी पोजेशन है। तो जब आपने बीमारियां बोलनी है, उर्दू में भी बोलते हैं मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, मेरे दांत में दर्द है, अंग्रेजी में अपने तीन लफ्ज का फॉर्मूला से डायरेक्ट बोलना है, वही बात उर्दू से इंग्लिश में नहीं आए। फॉर्मूला के फ्रेम में जाएं और 10-20 जुमले बोलें बोलें, सो दैट आपको पता चिल जाएगा। जब भी आपने पोजेशन बोलनी है, आप क्लिक करें डायरेक्ट अपने दिमाग को, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, ठीक है? यहाँ पर इलनेस डिस्कस हो रही है, मुझे बुखार है, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, आई हैव फीवर। यही बात मैं सारा के बारे में बताऊं तो सारा हैज हेडेक, सारा हैज फीवर। मगर यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस करें, यहाँ पर हैव हैज, अभी जो हम पढ़ते आ रहे थे, मैंने यहाँ पर हैव हैज नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर हैव गॉट हैज गॉट लगा दिया। वाई? अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं जहाँ मैं आपको सब्जेक्ट की लिस्ट बता रही थी कि कहाँ आपने हैव यूज करना है और कहाँ आपने हैज यूज करना है, वहां पर हैव हैज का भी ऑप्शन था और एक और ऑप्शन भी लिखा था आपके लिए मैंने, हैव गॉट और हैज गॉट। अच्छा, अब देखें, हैव आप हैव लगाए, हैव गॉट लगाए, आप हैज लगाए, हैज गॉट लगाए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर सेम। इफ यू वांट टू पुट हैव और हैव गॉट, सेम हैज और हैज गॉट सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस? प्रीवियसली 15-20 years back we usually have, we don't use have got, we say I have black hairs, I have a car, I have a brother, I have a sister, right? I have a nephew, I have a mother, I have a father, I have a niece. But now एक ऑप्शन है have got, दोनों के मीनिंग्स होते हैं पजेस करना, होना, मेरे पास है, पास होना, राइट? हैव बोले चाहे हैव गॉट बोले, सो इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी। ये जितने सेंटेंस आपने बनाए अभी तक, आई हैव ब्लैक हेयर्स, आई हैव बिग आईज, आई हैव अ कार, आई हैव अ फोन, ये सारे सेंटेंसेस आप चाहें तो इस हैव को हैव गॉट भी कर सकते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है, बोथ आर सेम। आप इसको हैव गॉट कीजिए, आप इसको हैड कीजिए। वोकैबुलरी हम नहीं आज डिस्कस कर रहे, सो इंशाल्लाह ये वोकैबुलरी आई विल टेल यू सम अदर टाइम। अब देखेंगे ये जितना लेक्चर है पूरा, आप हैव के बजाय
ऐसे पढ़े इसको, आई हैव गॉट ब्लैक हेयर्स, आई हैव गॉट टॉल हाइट, आई हैव गॉट बिग आईज, आई हैव गॉट पॉइंटेड नोज, सारा हैज गॉट ब्लैक हेयर्स, सारा हैज गॉट टॉल हाइट, सारा हैज गॉट बिग आईज, राइट? आई हैव अ फोन, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ फोन, आई हैव गॉट अ रिंग, सारा हैज गॉट अ रिंग, सारा हैज गॉट अ फोन, राइट? सो अगेन आप हैव यूज करें, हैव गॉट यूज करें, बोथ आर सेम, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप मुझसे पूछें विच इज सुइटेबल, सो आई वुड रिकमेंड कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करने वाले ब्रिटिश स्पीकर्स जो होते हैं वो हैव गॉट हैज गॉट पिक करते हैं, हैव हैज नहीं बोलते हैं. वो यूजुअली बोलते हैं आई हैव हेडेक की बजाय आई हैव गॉट हेडेक, आई हैव फीवर आई हैव गॉट फीवर. आप दोनों बोल सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है, दोनों लिख सकते हैं ग्रामेटिकली, दोनों बिल्कुल साउंड है. सारा हैज गॉट टू टेक, सारा हैज गॉट फीवर, फाइन, सारा हैज फीवर, दोनों ऑप्शन आपके लिए सही है. अच्छा, अब द पॉइंट इज, यहाँ पर एक और बात का डिस्कशन करें, वो ये है कि हेडेक, इस बात से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वर्ड जो है ना हेडेक, ये एक वर्ड नहीं है, एक एक ए सी एच एक, ये जो दूसरा पार्ट है इसका, टू टेक, एक एक दर्द को कहते हैं, और पहला पार्ट हेड, सो सर दर्द हेडेक, टू टेक स्टमक एक, पेट में दर्द स्टमक एक, बैक एक कमर दर्द, फाइन. सो आई होप ये भी आपको मैंने आइडिया दिया. अब द पॉइंट इज, आपने इसको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, द सेम आइडिया जो मैं आपको हमेशा देती हूँ कि आप लोग इसका पीडीएफ, आपने वीडियो ओपन की, अब आप अपने इस पे सेंटेंसेस बनाइए, आप अपनी पोजेशन डिस्क्राइब कीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टीज बताइए, आप अपनी बिलोंगिंग्स बताइए, और ऐसे ऐसा एक अपने लिए बायोडेटा तैयार कर लें. क्यों? यूजुअली जब भी हम जाते हैं जॉब इंटरव्यूज में, यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज में, तो हमसे यही पूछा जाता है कि भाई आपके पेरेंट्स कैसी है, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं. तो उस वक्त अगेन वो उर्दू से इंग्लिश ये या क्रैमिंग रट्टा लगाना ही पॉसिबल नहीं हो सकता. तो आप अपने अपने पेरेंट्स से, क्या आई हैव ब्लैक हेयर्स, आई हैव शॉर्ट हेयर्स, आई हैव कर्ली हेयर्स, आई हैव बिग आईज, आई हैव नॉर्मल हाइट, फिर आप अपनी प्रॉपर्टीज देखें, आई हैव अ फोन, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ होम, फिर आप अपनी सिबलिंग्स के बारे में लिखें, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ मॉम, आई हैव अ डैड, आई हैव एन अंकल. इस तरीके से आप अपने एक लिस्ट बनाए, उसे प्रैक्टिस करें मिरर के सामने, सो दैट अगेन ये बात जरूरी है कि फॉर्मूला बनाते वक्त चेक करें, आप ये तो नहीं करें आई हैव आ ब्लैक हेयर्स, या एडिशन करते जा रहे हैं. हम लोगों यूजुअली हम एडिशन कर देते हैं, जमार लगा दिया, आ लगा दिया, दा लगा दिया. सो दिस इज रॉन्ग, एडिशन होते जाएंगे, दिस इज रॉन्ग. सो आपने फॉर्मूला पे ध्यान रखना है. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट एक वर्ड कि इधर उधर ना हो कोई वर्ड, बिल्कुल इसको देख के बनाया है ब्लैक हेयर्स, फिर अपने भाई के पेरेंट्स बताए माई ब्रदर हैज ब्लैक हेयर्स. इस जब आप इसे देख के 5-10 प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर दैट आपकी इतनी गलती नहीं आएगी कि आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, राइट? फॉर्मूला फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है कि हम वन बाय वन करके हर ग्रामर लेक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको व्हेन इट इज अबाउट स्पीकिंग, तो हम उसमें एडिशन कर रहे होते हैं, आई हैव आ ब्लैक हेयर स्ट्रॉन्ग, सो इधर किसी आ दा की कोई जरूरत नहीं है. तो ऐसे ही जब आप डेली लेक्चर की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आफ्टर 10 लेक्चर्स आपको ये बातें मुझसे सुननी दोबारा से नहीं पड़ेंगी, या किसी आधा आपको खुद पता चल जाएगा, आपकी फॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी. मगर शुरू में वाई आई एम्फसाइज अगेन एंड अगेन कि आपने कोई याद आशा नहीं लगाना, बिकॉज वरना फिर गलती मल्टीप्लाई होती जाती है, और स्टूडेंट जब स्पीकर बन जाते हैं सारे लेक्चर्स पढ़ के, फिर वो गलतियां कर रहे होते हैं कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि वो प्रैक्टिस के वक्त आ दा सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपकी स्पीकिंग के लिए, बहुत यूजफुल लेक्चर है.